टाउन हॉल में इंग्लिश पीडिया फाउंडेशन की ओर से एक कार्यक्रम किया गया है। इवेंट एंड अवार्ड शो के नाम से कार्यक्रम शाम से ही चल रहा था। तमाम जो ये स्टूडेंट्स हैं उनमें कितना उत्साह है आप देख सकते हैं। हम बात करते हैं इंग्लिश पीडिया के फाउंडर मोहित मनीषी जी से। धन्यवाद। धन्यवाद सर। काफी उत्साहित हैं छात्र आपके। बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा हर वर्ष रहते हैं और बेहतरीन करते हैं, और इनका जो प्यार हमेशा जो बना है इसी कारण से आज इंग्लिश पीडिया जो कि एक सिंपल कोचिंग सेंटर इंस्टीट्यूट से स्टार्ट हुई थी, आज एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, एक फाउंडेशन, एक कंपनी बनकर खड़ी हुई है, जो आज अच्छा खासा कटिहार और सीमांचल के क्षेत्रों में बिहार में काम कर रही है। जी, कई मीडिया के साथ ही हम लोग आसाम से ही आपसे जुड़े हुए हैं और इस टाउन हॉल में पूरे कार्यक्रम को हम लोगों ने देखा है। आपके इंग्लिश मीडिया के सभी बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया है, सभी कुछ ना कुछ किसी न किसी क्षेत्र में अच्छा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने काफ़ी मेहनत की है और लगभग ये प्रोग्राम जो है 31 अगस्त को ही होना था, लेकिन किसी कारणवश इसे 8 अक्टूबर में किया गया, और काफ़ी स्टूडेंट्स उत्साहित हैं और उन्होंने जमकर प्रैक्टिस किया, और उन्होंने आज आप सभी लोगों ने देखा कि किस तरीके से उन्होंने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया। मोहित जी, एक खास सवाल है, एजुकेशन को आप किस रूप में देखते हैं? एजुकेशन को मैं एक बहुत ही गंभीर रूप से देखता हूँ, क्योंकि अब एजुकेशन की बात आपने किया है तो मैं दुनिया में प्रसिद्ध नेल्सन मंडेला का एक कोट है कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। शिक्षा इतनी ताकतवर वेपन है जिसके मदद से आप समाज को, देश को, दुनिया को बदल सकते हैं। तो सभी लोगों को शिक्षित होना चाहिए, जो शिक्षित नहीं हैं उनको उसके लिए अवेयरनेस चला करके, जिस तरह से हम लोग इंग्लिश पीडिया फाउंडेशन भी समय समय पर करते रहते हैं, आप मीडियागण जानते हैं, और शिक्षा को कहीं ना कहीं सबसे पहले प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि एक शिक्षा के बदौलत ही कोई भी देश, कोई भी समाज डेवलप होता है। जी, एक अंतिम सवाल है कि कटिहार के जो छात्र छात्राएं हैं, स्टूडेंट्स हैं, फ्यूचर में क्या प्लान है आपका उनके लिए? हमारे कटिहार के स्टूडेंट्स के लिए बहुत प्लान है। हमारे कटिहार के स्टूडेंट्स ऑलरेडी देश विदेश हर जगह हैं, हर डिपार्टमेंट में हैं, हर सेक्टर में हैं, बेहतरीन कर रहे हैं। और हमारा जो मेन संदर्भ है इंग्लिश पीडिया फाउंडेशन का, जो हम कहते हैं इनोवेशन स्टार्ट्स हियर, जो भी आइडियाज़ है, जो भी नई चीज़ें हैं वो शुरू हमारे यहाँ से होती है। हम उसका कहीं ना कहीं जो है एक स्टेप लेते हैं, और हम इस चीज़ को भी मानते हैं कि व्हेन इट्स अबाउट क्वालिटी एजुकेशन इट मीन्स इट्स इंग्लिश पीडिया फाउंडेशन। एंड हमारे जितने भी छात्र हैं रेलवेज में, आपको अलग अलग सरकारी गैर सरकारी कंपनीज़ में, MNC कंपनीज़ में इतने सालों से काम कर रहे हैं, लगातार जा रहे हैं सरकारी नौकरियों में, गैर सरकारी नौकरियों में, बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे हमारा सीना और भी चौड़ा हो जाता है।
धन्यवाद मोहित जी दर्पण लाइव टीवी समाचार से रूबरू होने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।